सो हे व्हाट्स अप पीडी एजुकेशनर्स, वेलकम टू द पीडी एजुकेशन चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये डाउट सुमित कुमार ने पूछा है, तो थैंक यू सो मच सुमित कुमार। ऐसे ही ढेर सारे डाउट्स, ढेर सारे कमेंट्स आप वीडियोस पर कर सकते हैं, ताकि मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उस पर वीडियो बना लूं। ठीक है, अगर आप कमेंट्स को एक्सप्लेन ना कर पा रहे हो तो आप कोशिश करो कि अपने डाउट की वीडियो बनाकर मेरे ईमेल आईडी पर भेज दो। ईमेल आईडी है pdeducation@gmail.com। आपको नीचे स्क्रीन पर भी ईमेल आईडी दिख जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट आता है, पहला आता है, व्हाट डू यू मीन बाय एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है फ्रेंड्स? एनाटॉमी जो एक ग्रीक वर्ड है, एना और टॉमी, ये दो ग्रीक वर्ड्स हैं। एना मीन्स अपार्ट और टॉमी मीन्स टू कट। ठीक है, एनाटॉमी का मतलब स्टडी करना ह्यूमन बींग्स, सॉरी स्टडी करना लिविंग बींग्स की स्ट्रक्चर और शेप की। ठीक है, एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म और लिविंग बींग। लिविंग बींग की बॉडी के स्ट्रक्चर और शेप की स्टडी करना ही एनाटॉमी है। सेकेंड इसके अंदर आएगा चैप्टर में फिजियोलॉजी क्या है। फिजियोलॉजी भी दो पार्ट में डिवाइड है, फिजियो और ओलॉजी, ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है। फिजियो मीन्स नेचर एंड ओलॉजी मीन्स टू स्टडी। ठीक है, तो फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि आपको स्टडी करना फंक्शंस ऑफ वेरियस सिस्टम, कई सारे सिस्टम, यानी सिस्टम के फंक्शंस। अब सिस्टम कौन कौन से आएंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम। इन सिस्टम्स के फंक्शन की स्टडी करना वो आएगा फिजियोलॉजी में। ठीक है, तो एनाटॉमी में क्या आया? एनाटॉमी में आप शेप और स्ट्रक्चर देख रहे हो बॉडी का, लिविंग बींग्स के, और उसके जो सिस्टम्स हैं उनके फंक्शन की स्टडी करना वो फिजियोलॉजी आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब आपको पता लगा साइज एंड शेप के बारे में पता करना। अब ह्यूमन एनाटॉमी का मतलब है तो ह्यूमन के साइज और शेप के बारे में पता करना। ह्यूमन के साइज और शेप के बारे में स्टडी करना ही ह्यूमन एनाटॉमी है। इसमें अगर आए तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, अब क्या हुआ, ह्यूमन एनाटॉमी आपने पढ़ा, फिजियोलॉजी का मतलब ह्यूमन के, नॉर्मल फिजियोलॉजी का मतलब क्या हुआ था? नॉर्मल फिजियोलॉजी का मतलब सिस्टम्स के बारे में स्टडी करना। सिस्टम कौन कौन से? रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सेम ये है, ह्यूमन के सिस्टम के बारे में स्टडी करना फिजियोलॉजी है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन। इससे पहले एक पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी ये दोनों इंटररिलेटेड हैं। हम एक के बारे में जानते हैं, दूसरे के बारे में नहीं जानते, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, दोनों इंटररिलेटेड हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी देम सेपरेटली बिकॉज दीज टू डिसिप्लिन आर इंटररिलेटेड। इन द एब्सेंस ऑफ वन डिसिप्लिन द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर कैन नॉट बी इमेजिन्ड। मान लो किसी को स्ट्रक्चर और शेप के बारे में पता है कि वो कैसे है, बट उसके अंदर जो फंक्शंस हैं, वो सिस्टम्स कैसे वर्क कर रहे हैं, उस बारे में उसको नॉलेज नहीं है, तो वो फिर क्या कर पाएगा उसके ऊपर? ठीक है ना, सिर्फ शेप के बारे में पता है वो अंदर इजीली, मान लो फर्स्ट एड भी किसी ने उसको करना, तो सिस्टम के बारे में ही नहीं पता, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट एड नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी फिजिकल एजुकेशन में। इसका क्या इंपॉर्टेंस है एनाटॉमी फिजियोलॉजी का? फर्स्ट पॉइंट आता है एनाटॉमी प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। हमारे ऑर्गन्स के बारे में कौन बताता है? एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब हमने क्या पढ़ा था? स्टडी करना शेप और स्ट्रक्चर का। अब स्टडी करना शेप हमें पता है, स्ट्रक्चर की स्टडी करी है, तभी जाके हमें पता लगा है ना कि हर ऑर्गन में क्या क्या होना चाहिए। स्पोर्ट्स में हमें पता ही नहीं होगा कि कौन से ऑर्गन की कहाँ ज़रूरत है, तो हमें कैसे पता लगेगा? एनाटॉमी होने की वजह से हमें ये चीज़ें पता लग रही हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आएगा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी हमें क्या प्रोवाइड करेगा? नॉलेज अबाउट द फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, वेरियस ऑर्गन्स। फिजियोलॉजी होने की वजह से, फिजियोलॉजी की वजह से हमें ऑर्गन्स किस हिसाब से काम करते हैं हम वो बता पाते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है यूजफुल इन प्रिवेंशन फ्रॉम स्पोर्ट्स इंजरीज। फ्रेंड्स, अगर हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में पता है तो ही हम स्पोर्ट्स में जो इंजरीज होती हैं उसको क्योर कर पा सकते हैं। अगर मान लो हमें पता ही नहीं एनाटॉमी, मतलब कहाँ पर है वो, उस ऑर्गन का स्ट्रक्चर क्या है, हमें कैसे पता फिर उसको इंजरी को कैसे क्योर करना है,
स्ट्रक्चर नहीं पता तो हमें नहीं कर पाएंगे हम। तो यानी कि ये यूजफुल होती है प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। जैसे मान लो फ्रैक्चर हो गया किसी को, तो फ्रैक्चर कहाँ हुआ और उस वो बोन की शेप की थी, उसके अकॉर्डिंग हमारे वो जो डॉक्टर है उसको नॉलेज है, फिजिकल एजुकेशन का टीचर उसको नॉलेज है, तो ही तो वो कर पाएगा ठीक, नहीं तो ठीक नहीं कर पाएगा। फोर्थ आता है सर्व्स इन द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलेशन। आपने देखा होगा स्पोर्ट्स पर्सन को जो इंजरीज होती हैं वो उसके बाद रिहेबिलेशन प्रोसेस में जाते हैं, रिहेबिलेशन प्रोसेस में जाकर वो क्योर हो जाते हैं, ठीक है। तो रिहेबिलेशन में भी अगर हमें मसल्स के बारे में पता है, स्ट्रक्चर के बारे में पता है, उसके सिस्टम्स के बारे में पता है, तो ही रिहेबिलेशन प्रोसेस ठीक होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आता है यूज इन सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स। अब सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स में क्या यूज है इन दोनों का? तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हर एक इंसान का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, हर एक इंसान का सिस्टम अलग है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, हर एक इंसान का ब्रीदिंग पैटर्न अलग है, बॉडी एंड शेप अलग है। तो यहाँ आपने जब स्पोर्ट्स में सिलेक्शन करवानी है उसकी, तो जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, मान लो कि बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में, अगर आपने देखा होगा बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में कुछ लोग तो 60 के अबव कैटेगरी के होते हैं, वो ज़्यादा उठा लेते हैं, 60 से बिलो कैटेगरी के होते हैं वेट कैटेगरी में, वो कम उठाते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग ही हम सेलेक्ट कर रहे हैं ना। अगर वो मान लो एग्जाम्पल है इसके अंदर, द बॉडी वेट ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस रेस शुड बी लेस। अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अगर वो जा रहा है तो स्पोर्ट्स पर्सन का बॉडी वेट शुड बी लेस, बॉडी वेट कम होना चाहिए, तो ही वो लॉन्ग डिस्टेंस कर पाएगा, भाग पाएगा ज़्यादा। और ही शुड हैव गुड कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस एंड मोर परसेंटेज ऑफ रेड और स्लो ट्विच फाइबर, और उसके पास अच्छा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होना चाहिए, मतलब उसके ब्रीदिंग पैटर्न बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ईजिली जा पाए, उसको इंजरीज ना हो। तो ये सिलेक्शन स्पोर्ट्स में मदद करेगा। नेक्स्ट जो आता है वो आएगा फैसिलिटेट इन दी प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब फ्रेंड्स फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को और कोचिज को अगर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में पता है तो ही वो ट्रेनिंग प्रोग्राम उसके अकॉर्डिंग बना पाएंगे, क्योंकि हर एक इंसान अलग अलग कैटेगरी का है, हर एक इंसान का बॉडी वेट अलग है, हर एक इंसान की शेप स्ट्रक्चर अलग है। अब किसी इंसान के अकॉर्डिंग ज़्यादा हैवी करवाना है उसके एक्सरसाइज, किसी के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा लाइट करवाना है, लाइट से ज़्यादा जाके 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 वो हार्ड पे आएगा, कुछ इंसान स्टार्टिंग से ही हार्ड करने लग जाएंगे। तो अगर फिजियोलॉजी और एनाटॉमी की नॉलेज है फिजिकल एजुकेशन टीचर को तो ही ये करवा पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्प्स टू नो अबाउट केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस क्या आ रहा है स्पोर्ट्स पर्सन में, तो इसकी नॉलेज होना भी, एनाटॉमी की और फिजियोलॉजी की नॉलेज है तो ही हमें पता लगेगा केमिकल चेंजेस कहाँ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा एट्स सर्व टू अंडरस्टैंड एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंस अमंग मेल्स एंड फीमेल्स। ये मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंस के बारे में बताता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मान लो कि बॉडी वेट कॉम्पिटिशन हो रहा है, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है, आपने देखा होगा कि मेल्स को एज कम्पेयर टू फीमेल्स हैवी वेट उठाने को कहते हैं तो ही वो विन करता है, बट फीमेल्स के अकॉर्डिंग, फीमेल्स जब आती हैं उनको लाइट वेट में ही, लाइट वेट उठाओ मतलब अपने अकॉर्डिंग फीमेल्स के अकॉर्डिंग जो वेट है उसी में वो जीत जाती हैं। क्यों? क्योंकि फीमेल्स मेल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा उनमें स्ट्रेंथ कम होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम मेल्स और फीमेल्स में बता सकते हैं, क्योंकि हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी मेल्स और फीमेल्स दोनों की स्टडी की है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड टू स्पोर्ट्स पर्सन। अब मान लो स्पोर्ट्स पर्सन किसी को इंजरी हो गई, फर्स्ट एड देना है, फर्स्ट एड हमें हमें कहाँ देना है, क्या चीज़ क्योर करनी है, हमें अगर पता है उसके स्ट्रक्चर के बारे में तो ही हम कर पाएंगे। तो यानी ये फर्स्ट एड स्पोर्ट्स पर्सन को देने में ये भी हेल्पफुल करेगा। नेक्स्ट आता है यूजफुल इन डेवलपिंग फिजिकल फिटनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन को भी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उनको पता है कि ये स्पोर्ट्स, ये पर्टिकुलर स्पोर्ट्स कितने के अकॉर्डिंग ही कर पाएगा, किससे ज़्यादा बियॉन्ड नहीं जा पाएगा इस स्पोर्ट्स में वो स्पोर्ट्स पर्सन। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे कि वी आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द डिमांड ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस इज ऑल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्पोर्ट्स, सच एज मोर स्पीड एंड स्ट्रेंथ आर रिक्वायर्ड इन 100 मीटर रेस। मोर स्पीड एंड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है 100 मीटर की रेस में, ये कैसे पता लगा? क्योंकि हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखा
कि वो ब्रीदिंग बहुत फास्ट कर रहा है अगर वो इससे ज़्यादा बियॉन्ड जाता है, तो हमें 100 मीटर के अकॉर्डिंग कितना रेस्पिरेटरी सिस्टम रखना है, मतलब कि कितना स्पीड रखना है, कितनी स्ट्रेंथ रखनी है, उसके अकॉर्डिंग हमें पता लग जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता लग जाता है इस बारे में सारी चीज़ें, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी हेल्पफुल है। नेक्स्ट आता है एड इन स्पोर्ट्स मसाज। फ्रेंड्स कई सारे तो इंजरीज नॉर्मल भी क्योर हो जाती हैं, रिहेबिलेशन में क्योर हो जाती हैं, बट कई सारे इंजरीज के लिए मसाज की ज़रूरत पड़ती है। अब मसाज करने के लिए अगर हमें उस बॉडी शेप की पता है, अंदर के मसल्स के बारे में अगर हमें नॉलेज है, सिस्टम्स के बारे में नॉलेज है, तो ही तो हम मसाज कर पाएंगे, नहीं तो अगर उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं तो मसाज कहाँ करोगे। अगर हमें पता होगा पेन किस मसल में है, उसके अकॉर्डिंग हम वो क्योर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हुए सारे के सारे आपके इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन में क्यों ज़रूरी है दोनों। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि ये बहुत विटल रोल, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं फिजिकल एजुकेशन में। विदाउट देयर नॉलेज अ स्पोर्ट्स पर्सन कैन नॉट रीच दी हाइट इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। इन दोनों के बगैर, जाने बगैर, वो स्पोर्ट्स पर्सन कभी भी हाई लेवल पर नहीं जा सकता, क्योंकि उसको पता नहीं है स्ट्रक्चर के बारे में, उसको वो अपनी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाए। ठीक है ना, तो ये दोनों की चीज़ें ज़रूर है, ज़रूर पता होनी चाहिए उसको। ओके, थैंक यू सो मच। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। आपको और ढेर सारी वीडियो जाननी है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अभी ज़रूर कर दे चैनल को। और अगर इसमें कुछ क्वारी है तो आप डाउट पूछ सकते हैं इससे। अगला स्केलेटल सिस्टम टाइप, तो स्केलेटल सिस्टम, बोन्स, लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।